told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. जी होम डीजे, मैं आज आपके लेके आऊँ 30x40 के हाउस प्लान, और ये हाउस प्लान की साइट इश फेसिंग है। और इस वीडियो में बात करेंगे इसके एलिवेशन के बारे में और ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मेरी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते सोमवार को आपको देखने को मिलेगी। अभी शुरू करते हैं इसके एलिवेशन के बारे में। इस एलिवेशन में जो मैंने मटेरियल यूज़ लिया है वो एक जोधपुर सैंडस्टोन और टाइल्स और वुडन, इसीलिए एलिवेशन दिखने में जबरदस्त लग। अगर आप जोधपुर से हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में। अगर आप जोधपुर से बाहर से या राजस्थान से बाहर से हैं तो आपको वहाँ पर जोधपुर स्टोन नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आप कुछ और भी लगा सकते हैं जोधपुर स्टोन की जगह पे। बाकी सब यहाँ पर टाइल्स हैं और साथ में नॉर्मल पत्थर हैं जो कहीं पर भी मिल जाएंगे। बाकी जोधपुर स्टोन मैंने जो यूज़ लिया है वो हर जगह पर मिलता नहीं है। बाकी प्लान दिखने में ज़बरदस्त लग रहा है। अभी हम चलते हैं इस प्लान के अंदर, आपको अभी इंटीरियर प्लान पूरा बताएंगे। ये जो यहाँ पर है ये सब टाइल्स हैं। ये अपना एंट्रेंस हो गया, एंटर होते ही लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, और ये अपनी टीवी यूनिट हो गई यहाँ पर पूरा, और लिविंग एरिया भी सेट हो गया पूरा। और ये अपना पूजा रूम हो गया जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है हमने। और जस्ट पास में किचन हो जाएगा हमारा जो एल साइज में होगा, क्योंकि जो हमारे मंदिर है मंदिर के पीछे भी गैप है वो भी हमारे किचन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर स्टोर रूम भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें स्टोर रूम के लिए गैप मिल जाएगा, पर मैंने यहाँ पर स्टोर रूम नहीं बनाया है, मतलब यहाँ पर मैंने खुला रखा है अभी। तो अब आप चाहो तो यहाँ पर स्टोर रूम सेट कर सकते हो, आपको गैप मिल जाएगा। और किचन के जस्ट बाहर हमें मिल जाएगी यहाँ डाइनिंग टेबल जहाँ पर आपका पूरा डाइनिंग सेट हो सकता है। और अभी हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। ये मास्टर बेडरूम देखने में पूरा रॉयल लग रहा है, क्योंकि इसमें जो पलंग मैंने यूज लिया है बेड वो ज़बरदस्त रॉयल है। और ये अपना टॉयलेट हो गया, और ये मास्टर बेडरूम जिसकी साइज़ मैं आपको कुछ देर बाद में इसी वीडियो में बता दूंगा सब चीज़ों की क्या क्या साइज़ रखी है मैंने। पहले आप पूरा इसका इंटीरियर प्लान देख लीजिए। अभी हम वापस चलते हैं अपने गेस्ट रूम में। ये अपना हो गया गेस्ट रूम जिसमें एक बाहर से डोर भी है एक अंदर से भी है, और गेस्ट रूम की साइज कम रखी है क्योंकि पास में हमारा मंदिर हो गया और पूरा सेटअप 30 फुट में होता नहीं, इसलिए इसको एडजस्ट किया हमने। और ये अपना नॉर्मल बेडरूम हो गया, इसमें भी अटैच बाथरूम है इस रूम में, मतलब ये जो प्लान है ये 3 BHK हैं, इसमें जो 3 बेडरूम हैं तीनों में अटैच बाथरूम दिए हमने। एक मास्टर हो गया और 2 की साइज थोड़ी कम है। और ये अपना नॉर्मल बेडरूम हो गया, यहाँ पे इसकी साइज कुछ ज़्यादा ही कम है, परंतु ये कोई नॉर्मल काम के लिए आपको काम आ सकता है। इसमें भी अटैच बाथरूम दिया हमने, और इसमें भी आप कोई घर के कोई छोटे मेंबर यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि गैप बड़ा तो नहीं है, परंतु आराम से एक जीना यहाँ पर रह सकते हैं अपना पूरा सेटअप के साथ। और इस प्लान में इतना ही, अभी बात करते हैं इसके प्लान के साइज के बारे में, इसलिए वीडियो पूरा देखें, इसकी पूरी साइज बताएंगे अभी आपको हम।
हेलो दोस्तों, अभी आपने इसका एलिवेशन प्लान और इंटीरियर प्लान तो देख लिया होगा। अभी मैं आपको बता दूँ इसकी साइज़, जो आपने पीछे तीन टॉयलेट देखे उन सब की साइज़ बता दूँ। पहले जो चिल्ड्रन रूम का टॉयलेट है उसकी साइज़ है 5x4 फीट, और जो बेडरूम की साइज़ है नॉर्मल उसकी साइज़ है 5x4 फीट, और जो अपना मास्टर बेडरूम है उसके टॉयलेट की साइज़ है 7x4 फीट। अपने चिल्ड्रन रूम की साइज़ है 7x10 फीट, और जो मेन नॉर्मल बेडरूम है उसकी साइज़ 10x10 फीट, और जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसकी साइज़ 11x14 फीट। अपना जो लिविंग एरिया है पूरा उसकी साइज़ 28x11 फीट, और हमारा किचन एल साइज़ में है इसलिए साइज़ दोनों अलग हैं। जो हमारे मंदिर के पास में जो साइज़ होगी वो 6x6 फीट होगी, और जो पीछे मंदिर से पीछे होगी वो 11x11 फीट होगी, और ऐसे 9 फीट होगा। और उसके पास हमारा गेस्ट रूम की साइज़ होगी 7x9 फीट, और जो हमारा पूजा रूम होगा उसकी साइज़ होगी 4x4 फीट, और जो हमारा पार्किंग होगी उसकी साइज़ होगी 10x14 फीट, और जो हमारा पोर्च होगा उसकी साइज़ होगी 19x4 फीट, पोर्च की साइज़ होगी 19x4 फीट। और आपको अगर प्लान अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना। अगर आपको अपना प्लान डिजाइन करवाना है हमसे तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपसे बात कर लेंगे, और आपके जो रिकमेंड होगी उस हिसाब का आपको प्लान अच्छे प्राइस में आपको दे दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।